सुरेंद्र दुबे जी, अडानी का मुद्दा, आप बहुत वोकल रहे हैं इन चीजों पे। अडानी जी, अडानी जी का स्टॉक आपने, हमने, लोगों ने 50% गिरा दिया, उन पे ओवर वैल्यूएशन की बात हो गई। एक वेस्ट का बंदा इस देश के इकोनॉमी को चैलेंज कर गया और हम उस पे डिस्कस कर रहे हैं कि गलत है या सही है। अच्छी बात आपने की, क्योंकि यही आजकल हो रहा है कि ये कहा जा रहा है। दो बातें आप समझिए, जिस दिन ये पूरा कांड हुआ तो अडानी ग्रुप के सीएफओ ने कहा कि ये अडानी पर उंगली उठाना इस देश की संप्रभुता पर हमला है। उस दिन मुझे इंदिरा गांधी की याद आई, वो जो डीके बरुआ प्रधानमंत्री होते, वो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, और वो कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज उसी बात को दूसरे ढंग से कहा जा रहा है। फिर मेरा बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ कि अच्छा, व्यक्ति की भी संप्रभुता होती, संप्रभुता राष्ट्र की होती है, अडानी राष्ट्र नहीं है। ठीक है, हम लोग ये समझाना चाहते हैं भक्त लोग कि नहीं, ये राष्ट्र हैं, क्योंकि इनको सर्वोच्च सत्ता से समर्थन प्राप्त है। क्या हम ये बताना चाहते हैं कि अडानी ने चोरी की होगी, सेल कंपनी बनाई होगी, ये कौन है हिंडनबर्ग? हमारा आदमी चोरी कर रहा है, हमारा देश है अपना उड़ा रहा माल, हु इज दैट? ये विमर्श मत करिए, ये विमर्श करके ही हम लोग जो पहुंचे। ये जो सेबी, फेबी, ईडी, सीबीआई सारी बनाई गई संस्थाएं ना, इसीलिए बनाई गई कि इस बात को, ये चीजें जहां सामने आ जाएं उन पर रोक लगे। अब अगर शेयर मार्केट, मेरे ख्याल 5-6 लाख लोग रोज शेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलरली, अब मार्केट गुम गई तो अगर 6 लाख लोग मूर्ख हैं कि वो डर से पैसा वापस ले रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, तो हमें उन सबको बुला के डंडे से मारना चाहिए कि हे मूर्खों, तुम्हारी वजह से देश का कितना नुकसान हो रहा है। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग जो कंपनी है उसको किसने अधिकार दिया? आप बता रहे वेस्ट मीडिया, ऐसा है ये गोदी मीडिया वहां नहीं था और नहीं है, वरना एक फोन पर भारत सरकार के जो जो बार्डन जो है उस कंपनी वाले को बुलाते और कहते, तुम्हारी औकात कैसे हो कि तुमने भारत सरकार के इतने बड़े उद्योगपति के खिलाफ जांच करा दी? कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि चोरी चकारी जैसे भी पैसा बना सकते हो बनाओ और देश को आगे ले जाओ। हम किसी, बड़ी अच्छी बात, एक कानून बना दीजिए कि हेंथ फोर्स आज से व्यवस्था की जाती है कि आपको जैसे पैसा कमाना कमाइए, तो फिर चाहे के लिए सेबी बनाए, ईडी बनाए, और फिर इस पर अगर आप नाराज हैं कि 2 करोड़ की कंपनी, चीटी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी पगला जाता है। एक सिस्टम हमने बनाया, आप ये कहते हैं सब झूठ, हम मान लेते हैं, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है भाई? आप ये कहिए, हम सेबी से पहले ही आपको सरकार कहना चाहिए था कि हम सेबी को कह रहे हैं कि इस मामले की जांच का। और सेबी का गठन ही इसलिए हुआ है कि कैसे शेयर मार्केट में अगर कोई गलत काम हो रहा है उसको कैसा रोका जाए। उसके पहले आप यहाँ हर्षद मेहता केस देख चुके हैं, केतन पारिक का केस देख चुके हैं, बैंकों से पैसा लेकर के लोग भागे, पूरे ट्रेल है। और अब आप ये कहते हैं, उसके अलावा वहां के सिटी बैंक ने आज जांच ऑर्डर की है, आप कहते हैं हम नहीं करेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी कंप्लेंट है तो हम देखें कि मार्केट का बिजनेस में अडानी को कोई सहयोग दें कि न दें, नुकसान कहाँ होने वाला। कल क्रेडिट स्विस ने कहा कि भाई हम इनके जो बॉन्ड है उनको 0 वैल्यू मानते हैं, वो स्वाभाविक है।
अगर हमको पता हो कि आप जो नोट दे गए हैं, ये इसीलिए उस पर नोट पर लिखा रहा था आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 100, अगर ये न लिखा हो तो उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है, वैसे बॉन्ड का है। और तीसरी, कोई नॉर्वे की कंपनी, उसने भी कुछ अभी जांच की है और उन्होंने कहा कि हम भी इस पर कल नोटिस ले रहे हैं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि हम खाली ये बताते रहें कि भाई आपको भारत सरकार के किसी उद्योगपति के ने तो एक कल संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि हम इस मामले को कोई तवज्जो नहीं देते और हमारे यहाँ बिजनेस इसी ढंग से होता, जिसको सरकार चाहती उसको बिजनेस कराती, जिसको सरकार चाहती ईडी से नोटिस दिला के अंदर करा देती, और जिसको चाहती उसको सरकार कहते कुछ नहीं करना। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।